एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में एक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आइए आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और दूसरा पार्ट इसका आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, और इनमें मैं बहुत ही इजी वे में आपको करना सिखाता हूँ कि कैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बहुत ही कम से कम समय में कर सकें। तो चलिए, मैंने जो रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया था, अगर आपने जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी इस पार्ट की वो देख लें, क्योंकि अगर वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको पहले देखें फिर इस पार्ट को देखें। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण फ्रॉम 200 मीटर हाई टावर, यानी एक टावर है जिसकी हाइट कितनी, एक टावर है जिसकी हाइट है 200 मीटर। यहां दिया गया 200 मीटर हाई टावर है, सपोज ये एक टावर है। फॉर अ पॉइंट इज 45, यानी इस पे जो कहीं से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब इस टावर पे ऊपर कोई चीज होगी, नीचे की तरफ देखना है इसको। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है, और उसमें एक पॉइंट है। बोला गया फॉर अ पॉइंट इज 200 मीटर हाई टावर, फॉर अ पॉइंट इज 45 डिग्री। तो यानी कि यहां से कोई पॉइंट है, मान के चलते हैं ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को यहां से देखना है। जब भी डिप्रेशन की बात करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। तो यानी ये कोई पॉइंट है जमीन पर जिसको देखना है ऊपर से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, यहां पर वो एंगल बनता है। ये सारे बेसिक्स हम लोग पार्ट वन में कर चुके हैं। तो यहां पर अगर 45 बना है तो ये एक्चुअली हम लोग यहां पर यूज नहीं करते। मैंने बताया था क्वेश्चन करते समय आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही करना होता है सब कुछ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख पा रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एंगल्स बराबर होंगे। वो 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो इस तरीके से ये 45 आपका यहाँ आ गया। ये तो 90 फिक्स होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बाकी ये भी बचा 45, क्योंकि सबका सम 180 होता है। 45, 45, 90, 90, 180। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 45 वाले केस में। 45 वाला एक केस मैंने आपको, मैं फिर से रूल एक बार लिख दे रहा हूँ। 45 अगर यहाँ हो और 45 आपका यहाँ भी हो, यहाँ 90 हो, तो आपको यहाँ बताइए कि अगर यहाँ वन है, वन है तो ये वाला आपका √2 टाइम्स होता है। इस तरीके से ये वन टाइम है तो ये भी जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो आपको साफ साफ बोला गया है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टावर, यानी इस पॉइंट और इस टावर के बीच की डिस्टेंस आपको यही दिख रही है, पॉइंट और टावर के बीच की डिस्टेंस यही, यानी कि आपको ये फाइंड करना है। तो अगर ये फाइंड करना है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर ये 1:1 का रेशियो होता है, जितना ये होता है उतना ही ये। तो अगर ये 200 है तो ये भी 200 है, बिना कुछ सोचे समझे आप इसको 200 बोल दीजिए। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधे बता दिया 200 मीटर इसका आंसर। ये सीजीएल का क्वेश्चन था 2012 में। इस तरीके से आपको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 90% मोर देन 90% केसेस में आपको ज्यादा बड़े कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ही इजिली आप कर पाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था, ये और भी क्वेश्चन लेकर के समझते हैं इस रूल को। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसमें कोई लाइट हाउस है जिसके दो साइड पर शिप्स सेल किए जा रहे हैं, तो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है इसका टॉप ये रहा, तो टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू शिप्स आर 30 एंड 45, यानी कि 30 और 45। अब मान के चलिए कि इसका ये आपका यहां से 30 बन रहा है, एक कोई पॉइंट है जहां से इसका 30 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका 30 इस साइड में बन रहा है, ये लाइट हाउस था तो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। दूसरा ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 45, दूसरा आपका सपोज 45 ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक। ये आपका फिगर बन गया। अगर आप फिगर सही बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से लग जाता है। तो इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, यानी कि जो लाइट हाउस है ये अगर 100 मीटर हाई है, यानी इसकी हाइट दे दी गई 100 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि यहां से और यहां तक की, यहां पर सपोज ये पहला शिप है और यहां पर दूसरा शिप है,
ये दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, ये हमें किसी तरीके से ये टोटल डिस्टेंस ये हमें फाइंड करके देना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसमें आपको वही अभी रूल मैंने जो आपको बताया था उसी को अप्लाई करें। बेसिक रूल मैं इधर एक बार फिर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखेंगे अगर ये 30 है तो ये अपने आप 60 होगा क्योंकि यहाँ 90 होता है। यहां जितना होगा अगर यहाँ 1 है ठीक है तो यहाँ ये वाला इसका डबल होता है और ये √3 होता है। ठीक, तो अगर हम 30 के हिसाब से देखें तो ये जो 100 30 के सामने जितना होता है इसका ये वाला तो डबल होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये √3 होती है ये वाली डिस्टेंस। मैंने क्या बताया, यहाँ वाली डिस्टेंस हमेशा √3 होती है। तो यानी ये 100 है तो ये 100 इतना अगर देखें तो ये आ जाएगा 100√3, यहां तक की डिस्टेंस ये अपने आप निकल आई, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। दूसरे केस में 45, 45 का रूल मैंने आपको बताया था कि 45 अगर यहां पर है, यहां भी आपका अगर 45 भी अपने आप हो जाए क्योंकि ये तो 90 फिक्स है, तो अगर ये 1 है तो ये 1 हो जाता है, ये 1 1 और √2 का रेशियो रहता है। तो यानी कि ये जितना है उतना ये होगा, यानी इधर आपका 100 हो जाएगा अपने आप ही। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन, आपकी डिस्टेंस आ चुकी है, अब आप सॉल्व कर दीजिए। बस यहां बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये आपका ship 1 था, यहां पर आपका ship 2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो आप एक देख रहे हैं 100√3 है और प्लस 100 अगर इनको ऐड कर दें यही आपकी डिस्टेंस है। आप इसी को सॉल्व कर लें जैसे चाहें। अब 100 अगर इसमें कॉमन करते हैं तो √3 + 1 आ जाएगा, इसमें कोई इस तरीके का ऑप्शन नहीं। अगर ऐसा होता तो यहीं पर खत्म कर देते। तो आप √3 की वैल्यू, आप सभी को पता है √3 की वैल्यू आप सबको याद भी रहनी चाहिए, 1.732 होती है। तो इसमें आप क्या करिए, जैसे यहां 173 इस तरीके से लिया जा रहा है तो आप केवल 1.73 ले लीजिए, 1.73 + 1। अब देखिए 100 इसको ऐड करें तो आएगा 2.73, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डेसिमल खत्म, 273 मीटर, इस तरीके से इसका आंसर हो गया आसानी से आप 273 इसका, 273 सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कितने बड़े, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसको बस केवल आपको समझना है, फिगर सही बनाना है। फिगर अगर आपने सही बनाया तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं, नाम मात्र की कुछ सेकंड्स में आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये तो मैंने फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ आराम से किया है, आप तो देखते ही आंसर कर सकते हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको समझना है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और भी कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, अ पायलट इन एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर एल्टीट्यूड यानी हाइट पर, एक एरोप्लेन है जो 200 मीटर की हाइट पर है, यानी कि अगर सपोज यहाँ है तो जमीन से वो 200 मीटर हाइट पर है, ऐसा मान के चलेंगे कि जमीन से वो 200 मीटर हाइट पर है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि ऑब्जर्व्स टू पॉइंट्स लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर, यानी रिवर के साइड पर इसके दो पॉइंट्स हैं जहां से टू पॉइंट्स, फिर से पढ़ लेते हैं, अ पायलट इन एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, ठीक है एल्टीट्यूड हो गया ये आपका 200 मीटर एल्टीट्यूड हो गया, ऑब्जर्व्स टू पॉइंट्स लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर, किसी भी रिवर के साइड पर दो पॉइंट्स हैं उनको देखता है, इफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू पॉइंट्स, उन दो पॉइंट्स पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 और 60। तो देखिए 45 और 60 है तो मान के चलते हैं ये रिवर का एक साइड है, ये तो हाइट केवल आपके एरोप्लेन की, यहां पर आपका एरोप्लेन है सपोज यहां पर कोई भी एरोप्लेन आपका उड़ रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद यहां पर एक पॉइंट ये हो गया और रिवर पर मान लेते हैं ये दो रिवर के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये रिवर के पॉइंट्स हैं तो इसमें आपको एंगल जो बन रहा है वो 45 और 60 के बन रहा है, तो ये आपका 45 बना रहा है, ठीक है ये 60 बना रहा है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई थी तो ये मान के चलिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि इस तरीके से यहां बनेगा, ठीक है ये एंगल बनेंगे, लेकिन एक्चुअली हमने कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको पता ही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यूज होते नहीं यहां पर, वही एंगल यहां पर ले लिए जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहीं पर एंगल्स ले ही लीजिए, बात खत्म है, आपका काम यहीं पर एंगल्स ले लेना चाहिए आपको। और ये हाइट जो थी एरोप्लेन यहां पर था इस जगह पर, तो इसकी हाइट आपको 200 मीटर दे ही रखा था इसने। तो अब चलिए देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए, जैसे अभी आपको बताया गया था वैसा आप समझ लीजिए।
इसमें साफ साफ आपसे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर पूरी कहां से कहां तक है? रिवर आपकी ये है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, ये आपको पूरा फाइंड करना है, ये पूरा ही टोटल आपको फाइंड करना है। तो ये करने के लिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको इसमें दिख ही रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपके। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। 45 में आपको पता ही, अगर 200 ये है तो 200 ये हो जाएगा सीधे। अभी आपको बताया गया था रेशियो रूल्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहां पर देखिए 60 के सामने ऑलवेज रूट थ्री टाइम्स होता है। 60 के सामने ऑलवेज क्या होता है? रूट थ्री टाइम्स होता है। तो ये रूट थ्री टाइम्स है अगर, तो यहां कितना रहोगा? अगर रूट थ्री से गुणा करने के बाद 200 कब आता है? रूट थ्री से, यानी कि हमेशा मैंने आपको कौन से बताया था, एक बार अगर आप बेसिक फिर से देख लीजिए, आपको बताया गया था कि 30 के सामने जो भी हो, ठीक है, 60 के सामने हमेशा रूट थ्री टाइम्स होता है। 30 के सामने एक लिया जाता है, ये डबल होता है, और ये रूट थ्री टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से अगर 60 यहां है तो 60 के सामने हमेशा कितना होता है? रूट थ्री टाइम। अब यहां हो या कहीं भी हो, 60 के सामने रूट थ्री टाइम लेना है, तो 60 के सामने जो भी है वो रूट थ्री टाइम्स है। तो यहां रहा होगा, जाहिर सी बात है कि 200 अपॉन रूट थ्री रहा होगा, तभी इसमें रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके 200 ये बना होगा, तभी ये बना होगा। तो यानी कि कंफर्म है कि यहां पर रहा होगा 200 बाई रूट थ्री, ठीक है। अब आपको साफ साफ क्लियर हो गया कि 200 ये और 200 अपॉन रूट थ्री ये, तो ये दोनों आपको, ये रिवर की विड्थ है यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको ऐड कर दें तो पूरी रिवर की विड्थ आ गई। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो रिवर की विड्थ आ गई आपके पास। ऐसा ऑप्शन आपके पास देखिए पार्ट वन ए में आपका ऑप्शन है। तो बिना सॉल्व किए ही आप उसको वहीं पर फिगर में ही खत्म कर सकते हैं, कोई भी आपको ज्यादा इसमें कुछ सोचना उचना नहीं है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, आपको समझ के फिगर सही बना दीजिए, और ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस में ये रूल्स अप्लाई करके बहुत ही इजीली हाइट एंड डिस्टेंस के लेंथी क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था, और इसमें देखते हैं अगर हो सकता है तुम लोग एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ, ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया स्ट्रेट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण एक पेड़ है जो टूट जाता है। तो एक पेड़ था, मान के चलते हैं कुछ ऐसा एक पेड़ था, ठीक है, तूफान के कारण वो कुछ यहां से मानते हैं टूट जाता है। टूटने के बाद ये क्या करता है? टूट जाता है, टूटने के बाद एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इस तरीके से कि यहां से जो इसका टॉप है ट्री का, वो टूट, यहां से सपोज ये टूट गया, टूटने के बाद ये टॉप जो है इसका वो ग्राउंड को टच करता है, ऐसे ग्राउंड को आकर के टच करता है, मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पेड़ ऊपर से टूटा है, ये आकर के यहां पर ऐसे आकर के ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां पर ये टॉप टच कर रहा है, और इस फुट ट्री के फुट के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, इस 10 मीटर, ये 10 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर दी गई है। बस आप देखिए फिगर आपका बन जाए, बस हो गया। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, और यहां पर हम लोगों को बोला गया था, यहां से बोला गया था सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो ये यहां पर गिरा टच कर रहा है, यहां पर एंगल भी 30 डिग्री का बना रहा है। तो बस ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये आपके पास फिगर आ चुका है, अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं टोटल हाइट ऑफ द ट्री। देखिए इस केस में जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, अगर हम इसकी नेमिंग कर लेंगे, ए कर लेंगे, बी कर लेंगे, सी कर लें, तो जो ट्री था ये वाला एक्चुअली टूटा हुआ पार्ट, जो एसी ए से सी तक टूटा हुआ पार्ट है ये, यानी कि टोटल हाइट आपकी अगर देखी जाए तो टोटल हाइट आपकी क्या मिलेगी? टोटल हाइट आपकी मिलेगी एसी प्लस एबी, ठीक है, ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हमें एसी और एबी बताना है। तो आपको पता है कि 30 के सामने जितना होता है, यहां पर जितना होता है, ये 30 है, ये आपका फिक्स है 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 होता ही है, और यहां का फिर 60 अपने आप फिक्स हो जाएगा। अब इस केस में आप लोगों ने आराम से अभी पढ़ा था पीछे कि अगर कुछ ऐसा केस होता है तो जो 30 होता है, 30 के सामने जो भी होता है 1,
तो ये होता है उसका रूट थ्री टाइम्स और ये डबल, है ना, ये रेशियो, यही रूल हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 के सामने जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन 60 के सामने जो रूट थ्री टाइम्स होता है, ये रूट थ्री टाइम्स है तो 10 है। अगर ये 10 है, ये रूट तीन गुना है, रूट तीन गुना होने पर 10 है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो रहा होगा 10 बाई रूट थ्री रहा होगा, क्योंकि देखिए अब 10 बाई रूट थ्री रहा होगा तभी तो इसका रूट थ्री टाइम्स यानी रूट तीन गुना करेंगे, रूट तीन गुना करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 60 के सामने हमेशा रूट थ्री टाइम्स होता है। ये हो गया। और जो अब 30 के सामने जो होता है उसका ये डबल होता है, तो यहाँ का ये डबल होता है, यहाँ का डबल है, मतलब इसको दो से गुणा करेंगे, 10 बाई रूट थ्री को दो से गुणा करेंगे 20 बाई रूट थ्री हो जाएगा, ये आपका 20 बाई रूट थ्री हो गया। अब आपके पास ये ए बी और ए सी दोनों आ चुके हैं, आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं 20 बाई रूट थ्री ए सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू 10 बाई रूट थ्री। अब आप इसको जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 30 बाई रूट थ्री हो जाएगा। 30 बाई रूट थ्री तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, नीचे अगर रूट में कोई नंबर है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करने के लिए जो रूट में नंबर है उसी नंबर से ऊपर नीचे आपको गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप देखिए ऊपर हो जाएगा 30 रूट थ्री और नीचे रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा करने पर 3 आता है, ठीक है, तो ये कितना है 10, 10 रूट थ्री आपका आंसर हो गया, 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री इज द फाइनल आंसर, 10 रूट थ्री आपका ये आंसर में आ रहा है पार्ट वन। इस तरीके से देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से सीखा है तो आप लगभग सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा सकें और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकें मैथमेटिक्स को। सो थैंक यू, थैंक यू।